Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming with Awesome YouTube channel. So guys, ये particular video dedicated है हाई जारो players, PUBG वाले pro players थे जो हाई जारो यूज करते थे. COD में उनको बहुत दिक्कत आ रहा है. सो मुझे भी दिक्कत आया था, मैं भी हाई जारो था, मतलब फुल जारो खेलता था. सो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ADS और नो स्कोप ADS, मतलब जो भी रहता है अपना स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी एंड ADS की सेंसिटिविटी सेट करने जायरो पे. सो यहाँ पे आपको कोई भी गन ले लेनी है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या सीन रहता आपका. सो ये मैं ADS से हिट कर रहा हूं एंड साथ में मेरा मतलब जो भी स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी रहता है उससे आपका एम होता है. सो PUBG में आप ऐसे ही करते थे, बट इसमें थोड़ा सा गाइस मैकेनिज्म चेंज है जायरो का. सो वो आपको मैं समझाने की ट्राई करूंगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है. सो सबसे पहले आपको दिखाता हूं आपको क्या करना है. सेंसिटिविटी दिखाता हूं, स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी 300 करके दिखाता हूं, उसके बाद देखते हैं एम कैसे होता अपना. सो गाइस इसमें बहुत मतलब हाई फाई एम है. मैं यहां पे एम करने वाला था, मेरा एम आगे होता है. So, इतना हाई सेंसिटिविटी कोई भी नहीं खेल सकता है. सो PUBG में 300 के अकॉर्डिंग इसमें मतलब ट्रिपल सेंसिटिविटी है. आपको करना है, आपको लोअर कर देना अपना सेंसिटिविटी जैसे आप करते हो. जैसे तो मैं 95 पे कर रहा हूं, आप अगर 300 खेलते हो तो आपको 110 पे कर देना, ठीक है. वो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करोगे, ठीक है. उसके बाद आपको ऐसे मतलब जैसे PUBG में हम ट्रैक करके एम अपना सेट करते थे भाई कि ऐसे अपना एम सेट हो रहा है. सो आपका अगर मतलब एम ऐसे सेट हो रहा है ना, सो मतलब आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल चुकी है. अगर ये आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं कि आपको मतलब ADS जो रेड डॉट वगैरह होता है अपना, उसकी सेंसिटिविटी कैसे फाइंड आउट करनी है. सो ये सारे काम करने हैं आपको, एकदम स्विच करना है. आपका एकदम स्विच होकर अगर टारगेट के आसपास जा रहा है, टारगेट पे हिट हो रहा है, तो मतलब आपकी सेंसिटिविटी आप फाइंड आउट कर चुके हो. एंड गाइस वो होने वाली है 100 के अराउंड, 100 एंड 120 के अराउंड. इससे ऊपर कोई नहीं खेलेगा मुझे पता है. उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, जब आपको ये वाला सेंसिटिविटी मिल जाता है उसके बाद आपको ADS का करना पड़ेगा जो अपनी साइट्स होती हैं, जैसे रेड डॉट हो गया, आयरन साइट हो गया अपना, या होलोग्राफिक हो गया. उसमें उसको क्या करना है, सेंसिटिविटी में जाना है, जायरो की सेंसिटिविटी में. जितनी मतलब आपकी ये वाली सेंसिटिविटी है ना, उसका मतलब हाफ कर देना है एंड थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आगे बढ़ा देने हैं. जैसे आपका मतलब 120 है तो आपको 60 पे खेलना है, 60 पे अपना मतलब रेड डॉट खेलना है. सो उसके बाद अगर आपको मतलब फीलिंग आएगी ना कि भाई सेट हो रहा है, तो गाइज उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी है. क्या ट्रेनिंग करनी है, सबसे पहले ट्रेनिंग ध्यान से देखना. ट्रेनिंग करनी है, पहले नीचे के 2 टारगेट हिट करने हैं एंड ऊपर का 1 टारगेट हिट करना है. सो फर्स्ट ट्रेनिंग आपकी ये विदाउट क्राउचिंग, कोई क्राउच नहीं करना है, जस्ट आपको ये करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, नीचे के 2 टारगेट एंड ऊपर का 1 टारगेट करना है, या फिर ऊपर के 2 टारगेट हिट कर सकते हो अगर आपके पास 40 का मैगजीन है. सो ये काम आपको करना है. सबसे पहले ट्रेनिंग होगी, इसको 5 मिनट तक आपको एटलीस्ट करना है. जो फ्लाइंग टारगेट्स होते हैं उनको ही मारना है आपको. सो आपको डिफिकल्ट जैसे टारगेट चूज करना है. मैं ये वाला टारगेट चूज कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो. डिफिकल्ट नीचे के 2 टारगेट होने चाहिए दूर के. उसके बाद आपको नेक्स्ट अभी ट्रेनिंग करनी है क्राउच करके, ठीक है. सो क्राउच करके आपको मारना है, क्योंकि क्राउचिंग मतलब और यहाँ पे प्रॉनिंग इस गेम में ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. सो आपको प्रॉन करके भी शॉट लेने हैं, जैसे एकदम प्रॉन करते हो एंड उसके बाद दूसरा टारगेट हिट करना है, जैसे प्रॉन करना है दूसरा टारगेट हिट करना है. सो ये एंड ये चीजें आपको अलग अलग गन से करनी है, ठीक है. सो हर एक गन का यहाँ पे अलग मैकेनिज्म है एंड उसको आपको दिखना पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा. सो जैसे मैं अभी LMG रहती है. सो LMG की स्किन बताता हूँ, LMG होती है 100 गोलियां, ठीक है. ये वाली M4 LMG है. सो इसमें 100 गोली है, 100 गोली से आप मतलब जितने टारगेट हिट कर सकते हो उतने टारगेट आपको हिट करने हैं. इसके बाद आपको लास्ट में एक और ड्रिल दिखाना चाहता हूँ मैं, एंड वो ड्रिल मतलब आपको अपनी फेवरेट गन से किसी भी गन से कर सकते हैं, जो भी आपकी गन है. सो सबको चलाना है आपको एंड सबको आपको चलाना आना चाहिए. सो ये वाली ट्रेनिंग दिखा रहा हूं मैं आपको. सबसे फास्ट यहां पे नीचे वाले जितने मूविंग टारगेट होते हैं उनको हिट करना है, जितने ज्यादा आप उतार सकते हो उतने, तभी गाइस आपका ही सेंसिटिविटी आएगा. एंड इसको भी आपको 5-10 मिनट करना है. जब भी आप गेम खेलते हो ना, उससे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है. ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको पता है कैसे आते हैं. सो ट्रेनिंग ग्राउंड में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में कैसे आते हैं स्टार्टिंग में. सो ऐसे आना है एंड इतने जितने भी टारगेट से इनको हिट करना है. एंड आई होप गाइज कि आपका एम अच्छा हो जाएगा जायरो के साथ. अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है ना, सो गाइज आपको क्या करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, लाइक करना है, कमेंट करना है. ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट दिखाते रहो यार, अपना जितना सपोर्ट आप दिखा सकते हो. ओके गाइज, पीस आउट, बाय बाय.